नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो बढ़ती हूँ अपने विषय पर। दोस्तों, आज बात करते हूँ भाद्रपद मास की, या कहें कि भादो मास की पूर्णिमा व्रत के बारे में। और इसके साथ ही साथ आज ही के दिन, इसी तिथि के दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है, जो कि स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला बताया गया है। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बहुत बढ़ जाता है कि इसके बाद से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और इसी तिथि से श्राद्ध करना लोग शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तिथि में हम क्या क्या उपाय करें, कैसे माँ लक्ष्मी जी को, माँ पार्वती जी को, भगवान विष्णु जी को और बाबा भोलेनाथ जी को कैसे प्रसन्न करें, क्या उपाय करें, क्या विधि करें, कैसे पूजन अर्चन करें, इन सब बारे में सारी बातें जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास या भादो मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। इसका महत्व तो इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस दिन से ही पितृपक्ष के श्राद्ध भी आरंभ हो जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है, जो कि अत्यंत शुभ फल देने वाला बताया गया है। तो इस तिथि में आप लोग पूजन अर्चन स्नान दान अवश्य ही करें, हो सके तो व्रत भी रखें। आइए जान लेते हैं इस व्रत की विधि क्या है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, या तो स्नान करने के बाद आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर बैठ जाएं, पूजा स्थल की साफ सफाई करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी और शिव जी को पुष्प, चंदन, फल और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करें, प्रसाद में पंचामृत और चूरमे का प्रसाद वितरित करें। इस दिन ब्राह्मण को दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तिथि को उमा महेश्वर व्रत भी रखना अति शुभ फलदायी माना जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष करके महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को बुद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। पूजा स्थल पर बैठकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के अर्ध भगवती रूप का ध्यान करना चाहिए और धूप, दीप, पुष्प, चंदन और घी का नैवेद्य उन्हें अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार मीठा फलाहार करके उमा महेश्वर व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आइए सुनते हैं उमा महेश्वर व्रत की कथा, जिसकी महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ी बताई गई है। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव जी के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु जी से हो गई। दुर्वासा जी ने शिव जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु जी ने वह माला स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, आपने भगवान शिव जी का अपमान किया है, इससे आपकी लक्ष्मी चली जाएंगी, क्षीर सागर से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा और शेष नाग भी आपकी सहायता नहीं कर सकेंगे। तब भगवान विष्णु जी ने इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा और उनसे विनती की। इस पर महर्षि दुर्वासा जी ने उमा महेश्वर व्रत करने का उपाय बतलाया और भगवान विष्णु जी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया। इसके प्रभाव से उन्हें समस्त शक्तियां पुनः वापस मिल गईं। दोस्तों, यह उमा महेश्वर व्रत की कथा थी और इसका महत्व तो आप इस कथा के माध्यम से जान ही गए होंगे। तो आइए जान लेते हैं इस पूर्णिमा तिथि को क्या ऐसा उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे और सौभाग्य तथा सुख शांति की प्राप्ति हो। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। इस दिन रात्रि में लक्ष्मी स्त्रोत या लक्ष्मी चालीसा या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर रात्रि में घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है।
इस दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल दें तथा शाम को धूप और दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। धन संबंधी समस्या के समाधान के लिए चंद्रदेव को जल में कच्चा दूध, चावल और चीनी मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य दें। पति पत्नी यदि एक साथ अर्घ्य दें तो वैवाहिक जीवन की समस्या भी दूर होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और हो सके तो कन्या को मीठा भोजन कराएं और कन्या को दान दक्षिणा भी दें। इस तरह माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें तथा शिव जी और माता भगवती जी, माता पार्वती जी को प्रसन्न करें। दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि और उमा महेश्वर व्रत के विषय में। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप सभी इस व्रत को करके बहुत ही पुण्य के फल की प्राप्ति करेंगे। तो मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मेरी जानकारी, दी हुई जानकारी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।